वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के इस नए वाली वीडियो में, जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया ओमेन एंड फ्रांस ओमेन के बीच में दोस्तों T20 मुकाबला खेला जाना है, इसकी ड्रीम इलेवन टीम के बारे में। तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से प्लेयर्स मुकाबले में कौन से नंबर पर जो है आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, कौन सा बल्लेबाज जो कि दोस्तों ऊपर बल्लेबाजी करता है और साथ ही साथ गेंदबाजी करता है, क्या कुछ जो है दोस्तों रिकॉर्ड होने वाला है सभी बल्ले जो है प्लेयर्स का, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, और उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर अभी आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन से। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है पी साबू, जो कि दोस्तों ओपन बल्लेबाजी करते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से ओपन बल्लेबाजी करते हैं। इनके अलावा टी ब्रिस्टन, जो कि दोस्तों ओपन बल्लेबाजी करती हैं फ्रांस की टीम की तरफ से, बुशरा यूसीए जो कि दोस्तों आपको और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करती हुई नज़र आ जाएंगी। इनके अलावा मैकोइन आपको मेरे हिसाब से खेलेंगे है नहीं दोस्तों, तो ये तीनों प्लेयर आपको दोस्तों जो कि खेलते हुए नज़र आ जाएंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में, और साथ ही साथ दोस्तों जो है आपको ऊपर बल्लेबाजी भी करके देने वाली है, यानी कि दो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं वो आपको ओपन करते हुए नज़र आ जाएंगी, साथ ही साथ जो तीसरा बल्लेबाज है वो आपको वन डाउन यानी कि तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नज़र आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों बल्लेबाजी सेक्शन में। बल्लेबाजी सेक्शन में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है मियां जपीडा का जो कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से ओपन बल्लेबाजी करेंगी और साथ साथ पूरी गेंदबाजी भी कराने वाली है, तो बहुत ही बेहतरीन पिक होने वाली इस मुकाबले में दोस्तों। जपीडा ओपन बल्लेबाजी करेंगी ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से और साथ साथ गेंदबाजी भी करेंगी। लारा आर्मस जो कि दोस्तों आपको फ्रांस की टीम की तरफ से ओपन बल्लेबाजी करते हुए नज़र आएंगी इस मुकाबले में आपको। बरोडिन जो कि दोस्तों आपको वन डाउन यानी कि तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नज़र आएंगी फ्रांस की टीम की तरफ से। बुल्डर मेरे हिसाब से दोस्तों इस मुकाबले में खेलेंगे नहीं, सिद्दीकी मेरे हिसाब से खेलेंगे नहीं, और बाकी जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं मैं आपको बता दूं वो हैं, बाकी नीचे के कुछ खास प्लेयर हैं नहीं दोस्तों। अब चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन दोस्तों सबसे पहला नाम आता है मलिका मधीवा का, जो कि दोस्तों आपको छः नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नज़र आएंगी और साथ ही साथ जो कि दोस्तों पूरी गेंदबाजी भी कराएंगी। बल्लेबाजी तो इनका कुछ खास नहीं, लेकिन गेंदबाजी में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज दोस्तों, हर मुकाबले में अच्छा खासा जो है विकेट निकाल कर ले जाती हैं, दो से तीन विकेट आसानी से निकाल लेती हैं दोस्तों, तो बहुत ही बेहतरीन जो है पिक होने वाले इस मुकाबले में मलिका मधीवा। इनके अलावा दोस्तों टेम्पलमैन जो कि दोस्तों आपको चार से पाँच नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नज़र आएंगी और साथ ही साथ पूरी गेंदबाजी भी कराएंगी। मैकगोन जो कि दोस्तों आपको लारा टेम्पल आपको दोस्तों चार नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नज़र आएंगी, वहीं पी मैकगोन जो कि आपको दोस्तों पाँच नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नज़र आएंगी। मैकगोन जो कि दोस्तों आपको पाँच नंबर पर बल्लेबाजी करने के साथ साथ गेंदबाजी भी करते हुए नज़र आएंगी, तो ये भी बेहतरीन चॉइस होने वाली इस मुकाबले में। सिटिगलिच जो कि दोस्तों आपको पाँच नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नज़र आएंगी, गेंदबाजी का इनका दोस्तों कन्फर्म है नहीं कि कितने ओवर की कराएंगी, बाकी गेंदबाजी ना भी करा सकती हैं दोस्तों, तो आप चाहें तो जो है अपने रिस्क पर ट्राई कर सकते हैं। इनके अलावा जो कि नीचे दोस्तों कुछ खास चॉइस है नहीं। अब चलते हैं दोस्तों गेंदबाजी सेक्शन में। गेंदबाजी सेक्शन में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है गणेश पूजा का, जो कि दोस्तों आपको ये तो कभी कभार ओपन बल्लेबाजी करती हैं और कभी कभार चार से पाँच नंबर पर बल्लेबाजी करने चली आती हैं, तो बेहतरीन चॉइस वैसे होने वाली हैं क्योंकि बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी कराने वाली हैं, तो बेहतरीन चॉइस होने वाली इस मुकाबले में गणेश पूजा, क्योंकि दोस्तों ओपन बल्लेबाजी भी कर सकती हैं फ्रांस की टीम की तरफ से। वैसे फ्रांस की टीम के दोस्तों दो ओपनर बल्लेबाज चुकी ऑलरेडी इस समय, लारा आर्मस एंड जो है दोस्तों टी ब्रिस्टन आपको जो है ओपनिंग करते हुए नज़र आएंगी, लेकिन अगर ये अब जो दो प्लेयर अगर नहीं खेलते हैं तो जो है गणेश पूजा आपको दोस्तों ओपन करते हुए नज़र आ सकती हैं। इनके अलावा डी अडविलज जो कि दोस्तों आपको बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नज़र आएंगी इस मुकाबले में। विलेयू जो कि दोस्तों आपको छः नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए साथ ही साथ पूरी गेंदबाजी करती हुई नज़र आएंगी। इनके अलावा जो दोस्तों कुछ खास प्लेयर हैं नहीं। वैसे निकोला आपको दोस्तों सात नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नज़र आएंगी, साथ ही साथ पूरी गेंदबाजी कराएंगी, तो ये भी बेहतरीन चॉइस होने वाली है इस मुकाबले में। ये तो हो गई दोस्तों सभी प्लेयर्स की बैटिंग ऑर्डर के बारे में। अब चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से प्लेयर को जो है कौन सा प्लेयर जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है और किन किन प्लेयर को अपनी टीम में लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में फिलहाल रखेंगे दोस्तों ब्रिटन को एंड बुशरा यूसीए को, एंड जो है दोस्तों चलते हैं अब बल्लेबाजी सेक्शन में। बल्लेबाजी सेक्शन में दोस्तों सबसे बेहतरीन चॉइस होने वाली है जपीडा एंड जो है दोस्तों लारा आर्मस भी बेहतरीन चॉइस है, लेकिन फिलहाल मैंने ड्रॉप करके चल रहे हैं। ब्रोडिन को ले लेंगे दोस्तों, इनके अलावा कुछ खास जो है प्लेयर हैं नहीं। अब चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में हम दोस्तों रखेंगे मैकगोन का जो है टेम्पलमैन एंड जो है दोस्तों
मलिका मधीवा को, उसके बाद चलते हैं दोस्तों गेंदबाजी सेक्शन में। गेंदबाजी सेक्शन में दोस्तों सबसे बेहतरीन चॉइस होने वाली हैं ऊपर के जो तीनों प्लेयर हैं, गणेश पूजा विलोई एंड दोस्तों एडिलज, तीनों बेहतरीन चॉइस होने वाली मुकाबले। फिलहाल दोस्तों जो है हमारे 10 प्लेयर पूरे हो चुके हैं, एक और प्लेयर को जो है अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। तो हमारे पास बेहतरीन चॉइस निकोला है दोस्तों, एक काम करते हैं निकोला को ही जो है अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। इनके अलावा जो है दोस्तों आप चाहे तो दोस्तों जो है सेट ग्लिच को आप ट्राई कर सकते हैं। इनके अलावा जो दोस्तों सेट ग्लिच के अलावा जो बेहतरीन चॉइस होने वाले हैं वो हो सकते हैं दोस्तों लारा मार्स को आप ट्राई कर सकते हैं, एंड जो है विकेट कीपिंग सेक्शन में पी साबू को आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, जो कि बेहतरीन चॉइस होने वाले इस मुकाबले में। तो कुछ इस प्रकार की टीम रहेगी दोस्तों हमारे इस मुकाबले के लिए। कप्तान हम बनाएंगे दोस्तों जो है लारा टेम्पलमैन को, एंड वाइस कप्तान बनाएंगे दोस्तों जकीडा को, जो कि दोस्तों आपको ओपन बल्लेबाजी करके देंगी। और जो ये दोस्तों लारा टेम्पलमैन जो कि दोस्तों आपको 4 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, साथ ही साथ 4 ओवर की पूरी गेंदबाजी कराएंगे दोनों ही प्लेयर। तो कप्तान हम और वाइस कप्तान हम इन्हीं प्लेयर को बनाकर चल रहे हैं दोस्तों। बाकी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी टॉस आने के बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।